आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पानसिमल थाना क्षेत्र में एक युवक धारदार हथियार से घायल हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई। घटना खेतिया रोड पर स्थित कॉलोनी में हुई, जहां पर निवास कर रहे मुकेश सोलंकी को हाथ पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की जानकारी दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात्रि में ड्यूटी डॉक्टर राहुल किराड़े ने बताया कि युवक को हाथ पर चोट आई, जिसका प्राथमिक उपचार किया। उन्हें करीब 7 टाके आए। घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी। घायल युवक का नाम मुकेश सोलंकी है, जो ग्राम पंचायत में मेट के पद पर है। मुकेश ने बताया कि उसके निवास पर शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात्रि में चोर घुस आया। वह घबराकर चिल्लाने लगा, जिसके बाद चोर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसे चोट आई। उन्हें दीपक सोलंकी, बंटी बघेल, सीएससी पानसिबल लेकर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक उपचार करवाया गया। मुकेश सोलंकी ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की। पानसिबल से सतीश केवट की रिपोर्ट। मेरा नाम है मुकेश सोलंकी और मैं यहीं आर्य साहब कॉलोनी में रहता हूं, खेतिया रोड पे। और रात के करीबन 3 बजे के लगभग चोर आया था और मैं 3 बजे उठा था और 3 बजे गर्मी के कारण छत पर चला गया था और मेरे छत पे जाने के बाद चोर अंदर आ गया था और जैसे मैं छत से नीचे उतरा तो जैसे वो मैं नीचे उतरा तो चोर भी अंदर से बाहर निकल गया था। जैसे मैंने चोर को देखा तो मैं डर गया, डर के कारण से चिल्ला दिया तो वो चोर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है। कहाँ चोट आई आपको? यहाँ पर चोट आई थी। जी सर, करवाया? जी सर, इलाज करवाया है। और शिकायत दर्ज करवाई थाने? हाँ, सुबह 5:30-6 बजे के लगभग शिकायत दर्ज करवाई। क्या मांग करते हो आप पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से तो यही मांग करेंगे सर कि थोड़ा इधर पेट्रोलियम वगैरह करें ताकि मोहल्ला सुरक्षित रहे। बीती रात को जो घटना हुई, करीबन मरीज आया था मुकेश सोलंकी अपने पास 5 बजे, जिसको उल्टे हाथ में चोट आई है और उसका प्राथमिक उपचार करके अपन ने पुलिस तहरी भेज दी है।